देखिए अभी दो तीन क्वेश्चन मैं अभी चैप्टर वन के ही आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, जो बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो एक है 25। बाकी देखो मैं यही कहूँगा कि आप इन पर डिपेंड मत रहना, ये आप बस एक तरह से रिवीजन के लिए आप देख सकते हैं स्पीड बढ़ाकर। ठीक है, आपकी पूरी प्रिपरेशन होनी चाहिए, बुक एनसीईआरटी और उसके एग्जाम्पल अच्छे से होने चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसमें एक्स निकालना है, और जिन बच्चों को आता है ना वो फटाफट आंसर अपने आप निकालें, क्योंकि मैं सिर्फ रिवीजन के तौर पर वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, ये 25 है, इससे पहले एक और वीडियो बनाई है, वो भी देख सकते हैं। ठीक है, जो अभी रिवीजन वाली बनाई है, तो 5 में 25, 5 एकम 5, तो इस तरीके से ऊपर 2 आ गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि पावर की पावर में मल्टीप्लाई होती है। अब यहाँ 5 पहले से था, यहाँ जो भी नंबर दे रखा हो ना आप उसको प्राइम नंबर में बदलेंगे। किसे बदलेंगे? प्राइम नंबर में। तो 2 2 जा कितना हो गया, 4, 2 3 जा 6। ठीक है, अब देखो बेस सेम है ना, तो ये हट जाएगा, 4x-6, 2x+3, समझ में आ गया। अब प्लस का 2x माइनस का हो गया, माइनस का 6 जाके प्लस का हो गया, 4 में से 2 गए 2x, 6 और 3 9, एक्स कितना आ गया 9/2। ठीक है, देखो एक बार, 25 है या जो भी होगा प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्या करनी है, और 5 में 25 होता है, देखो 5 दूनी 10 मत सोचना, 5 की 5 में गुणा करी 25। ठीक है, तो ये इसकी इसमें गुणा होगी, ये लिखा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और ये 5 से 5 गायब हो गए, ये पूरा उतार दिया, ये पूरा उतार दिया, 4x प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, जब इक्वल के उधर जाते साइन चेंज हो जाता है। देखो 4x में से 2x जाएंगे, 2x बचेंगे, जैसे चॉकलेट है, चॉकलेट तो चॉकलेट तो रहेगी, वनीला थोड़ी बन जाएगा, एक्स थोड़ी गायब हो जाएगा, तो 2 अपॉन में चला गया। ठीक है, ठीक है, अब इसके जैसे एक और देख लो फटाफट, उसके बाद मैं थोड़ा बहुत हर चैप्टर से हल्का हल्का करा दूंगा। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने फर्स्ट और थर्ड का ही थोड़ा सा बताया था, इसमें फर्स्ट के ना एक दो क्वेश्चन जो मुझे लगते हैं ये आ जाते हैं, तो ये बता रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है, अब इसको फटाफट जो बच्चे जानते हैं उन्हें फटाफट सॉल्व कर लें, और जो नहीं जानते एक बार देख लें। जैसे 16 है तो यहाँ पर भी 4 कर देंगे, ठीक है, 4 चौक 16, ठीक है, अब 384 है, इसका हम क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टर कर लेंगे, ठीक है, बाद में कर लेंगे, अभी ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, क्योंकि ये थोड़ा सा लगे, ये देखो यहाँ पर अलग चीज थी, यहाँ पर अलग है। अब कई बच्चों के दिमाग में आएगा सर बेस सेम है तो इसको कुछ कर दो। देखो बच्चे माइनस है, डिवाइड होता तो माइनस कर देते, मल्टीप्लाई होता प्लस कर देते, लेकिन ये माइनस है इसलिए क्वेश्चन अलग है, हमें अपना रेट ऑफ माइंड, ठीक है, पूरा ध्यान में रखना है, जल्दबाजी में गलत नहीं करना। ठीक है, 2 की इसमें मल्टीप्लाई करो, 2x, 2 1 जा 2, ठीक है, 384। अब कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा सर यहाँ पर जैसे 4 है तो सर 2 का भी तो हो सकता है। हाँ डियर, हम 2 का भी यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो 4 को 2 में भी आप बदल सकते हैं। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे 4 रहने दिया है, ठीक है, बाद में कर लूंगा। ठीक है, अभी भी पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन करना पड़ेगा, जो भी ये नंबर दे रखे ना उन्हें हमें प्राइम में बदलना पड़ता है। चलो प्राइम में बदल देता हूँ, 4 है तो 2 ऊपर 2, फिर ये 2x-1 हो जाएगा ब्रैकेट में, ठीक है, 4 तो ये भी हो जाएगा 2, और 2x-2 ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ करा था ना वैसे यहाँ कर दिया, अब 384। ठीक है, अब 2 की मल्टीप्लाई इसमें करो, 2 2 जा 4x-2, और यहाँ देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 4, 2 2 4। अब देखो ये माइनस होता है तो इसका मतलब क्या होता है, ऐसे देखो जब बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाती है ना, जब माइनस दे रखे तो ऐसे नहीं लिख सकते, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से ये लिखा,
और ये 2 की पावर ये आ गए। देखो हमें ना सीधा पता है, सीधा मतलब ए की पावर एम अपॉन में ए की पावर एन आते हैं, तो एम माइनस एन लिखते हैं ना, तो यहाँ पर जो है हम उल्टा कर रहे हैं, ठीक है 384। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, क्या कॉमन है, 2 की 4x, 2 की 4x बाहर आ गया। वन अपॉन 2 की पावर 2 है, तो मतलब 2 की 2 में गुणा करिए कितना आ गया, 4, और 2 की पावर 4 है तो 2 दिन 4 दिन 8 दिन 16, ठीक है 16 एकम 16, 4 एकम 4, 16 चौके 64, 2 की पावर 4x, 16 में से 4 गए 12 बटे 64, ठीक है। अब ध्यान सुनो, 784, ये 12 और 64 है ना, 64 ऊपर आ जाएगा 12 नीचे चला जाएगा, ये इधर जाके उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और अब काटो किससे कट रहा है, काटो देखो 12 से कट रहा है, नहीं कट रहा, एक मिनट, यहां पर 384 है और मैंने यहाँ पे 7 कर दिया था, ठीक है। अब देखो कट रहा है, नहीं कट रहा, ठीक, देखो 12 से कट जाएगा, 12 3 36, 2 बचे 12 2 9 24, ठीक है। अब देखो 2 की पावर 4x इजिकल टू यहाँ पे कितना है, 32 गुणा में 64। अब इसको भी 2 बनाओ, 32 का करो, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 चौके 64 का कितना, तो 6, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 2 की पावर कितनी आ गई, 11, ठीक है। अब 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 4x बराबर क्या आ गया, 11, तो एक्स कितना आ गया, 11 बटे 4। अब जैसे एक नंबर में आना होगा ना, इतना भी दे सकता है, खाली इतना भी दे सकता है, फिर हम इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन जो है ये भी बहुत बार आया, 1 प्लस x की b माइनस a c माइनस a, 1 प्लस x a माइनस b और x c माइनस b, ये ना सपोर्ट मटेरियल का क्वेश्चन है ना, ये वाला करवा रहा हूँ, ठीक है। x की पावर a माइनस c, x की पावर b माइनस c, ठीक है, ये मैंने सपोर्ट से देखा था तो काफी इम्पोर्टेंट है। तो देखो ये ऐसा क्वेश्चन है, तो आप देखो यहाँ पर b और c है, मतलब a सेम है ना, तो a सेम है तो ऊपर x की पावर a से मल्टीप्लाई और नीचे x की पावर a से मल्टीप्लाई कर देनी है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जब तक कोई बताएगा नहीं पता नहीं चलेगा, आप बहुत प्रैक्टिस की हो तब पता चलेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर बी बी है, तो आपको बी से मल्टीप्लाई बी से डिवाइड करना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस ये है ना आपको पैटर्न पता होना चाहिए। अब यह सी है तो ऊपर भी सी से मल्टीप्लाई और नीचे भी सी से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब करो इसको, इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये है ना ऊपर तो एक्स की ए रहेगा, इससे मल्टीप्लाई करो एक्स की ए, अब इससे मल्टीप्लाई करो, जब मल्टीप्लाई करोगे तो बेस से पावर जुड़ जाएगी, तो बी माइनस ए प्लस का ए हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही एक्स की बी, इससे मल्टीप्लाई करो, अच्छा यहाँ पर ये रहेगा, इसको भी लिख देंगे
एक्स सी माइनस ए प्लस ए, ठीक है, ऐसे इससे करो एक्स की भी, इस पर मल्टीप्लाई करो ए माइनस बी प्लस बी, ऐसे सी माइनस बी प्लस बी। अब ऐसे एक्स की सी है ना, इस पर मल्टीप्लाई करो एक्स की सी, एक्स ए माइनस सी प्लस सी, एक्स बी माइनस सी प्लस सी, ठीक है। अब देखो ये एक्स की ए आ गया, अब खुद सोचो देखो ए से ए कट गया, और यहाँ पर भी ए से ए कट गया, यहाँ पर बी से भी कट गया, बी से भी कट गया, ठीक है, और यहाँ पर देखो सी से सी कट गया, सी से सी कट गया। तो कहने का मतलब यह है कि यह एक्स की ए, एक्स की बी, एक्स की सी बचा, और ऊपर बी, यहाँ पे भी एक्स की बी, एक्स की ए, एक्स की सी बचेगा, एक्स की सी ऊपर लिखा, और यहाँ एक्स की सी, अगर नहीं पता ना थोड़ा सा जैसे भूल भी जाते हैं, थोड़ा बहुत पैटर्न पता करके तो आ जाओगे, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन, ठीक है, इस तरीके से। अब ये तीनों सेम हो गए, नीचे वाला एलसीएम ले लिया, एक्स की ए, एक्स की बी, एक्स की सी, ऊपर वाला भी वही आ गया, एक्स की ए, एक्स की बी, एक्स की सी, ये पूरा कट गया, आंसर ये का। आगे समझ, तो इस तरीके के जैसे क्वेश्चन होते हैं ना, तो ये ऐसे करने होते हैं, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देख रहे हो ना, तो इसको पहले ए प्लस बी हो जाएगा, चलो मैं करा देता हूँ, अब समझाऊंगा उतने में लिख भी दूंगा, ठीक है। देखो अब मतलब एक आधा ऐसा क्वेश्चन मुझे लगता है कि आ जाए, अब बाकी मैं श्योर तो नहीं हूँ, ठीक है। अब प्रैक्टिस आपको हर तरीके से आनी चाहिए, अगर ये नहीं आता इससे ज्यादा कोई और आ सकता है, ठीक है। तो एक्स की और सी, एक्स की ए, सी माइनस ए, ठीक। अब देखो जब बेस में डिवाइड की फॉर्म में है तो बेस सेम है, तो ये माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस। देखो पहले आप बता देता हूँ, जैसे ए की पावर एम है, ए की पावर एन है, तो एम माइनस एन होता है ना, लेकिन अगर ए की पावर एम और ए की पावर माइनस एन है तो क्या होगा, प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना। अब ये भी एक नंबर में पूछ लेता खाली, चलो यहाँ पे कितना आ गया एक्स, ए प्लस बी हो गया, ठीक है, और ये बाहर क्या है, ए माइनस बी, ये होगा बी माइनस सी, तो प्लस हो जाएगा क्योंकि बटे में, और ये रहा बी माइनस सी, ठीक है। ऐसे एक्स सी प्लस ए, ये हो जाएगा सी माइनस ए, ठीक है। अब देखो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, अच्छा मल्टीप्लाई बच्चे, ठीक है, तो ये होगा ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये तीनों मल्टीप्लाई में, तीनों क्या है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में क्या होगा पावर एड हो जाती है, इस तरीके से पावर एड हो गया, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया या घट गया, तो पावर जीरो बची। अब यहां पावर जीरो बची तो इसका आंसर बना, ठीक है, जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती है, ठीक है। और बाकी देखो ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आए ये रहा, तो इसमें आपको रेशनलाइज करना है, क्या करना है रेशनलाइज, जैसे ये देखो ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, पहले हर का परिमेयकरण करके फिर से पुट करके यहाँ पे फॉर्मूला लगा के आंसर करोगे, ठीक है। ऐसे ये सारे क्वेश्चन में से कोई भी अगर आ जाए तो आपको, जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला, ये देखो बता देता हूँ, एक्स की वैल्यू 9 माइनस 4 √5 दे रखी, ठीक है, और आपसे पूछे एक्स का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो पहले तो आपको 1 अपॉन में एक्स का हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा, करने के बाद एक बार माइनस में ले लेना और एक बार इसे प्लस में लेके मल्टीप्लाई कर देना आंसर, ठीक है। देखो जो थर्ड चैप्टर है ना, थर्ड चैप्टर में इस प्रकार की जो केस स्टडी है वो आ जाती है, तो ये एग्जाम में बहुत बार आई हुई है। जैसे आप पूछ रहे हैं कि सी की वैल्यू बताइए, तो ये जो सी है ना, सी इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो बच्चों आप ध्यान से देखो, पहले एक्स को लेते हैं, तो एक्स का 8 हो गया,
और y का भी 8 हो गया। तो आप लिख देंगे सी की वैल्यू कितनी, 8,8। ठीक है, तो ये ना आप, ठीक है। अब जैसे यहां पर पूछा है कि एरिया निकालिए रेक्टेंगल का, इसका एरिया निकालना है, तो कैसे निकालोगे? देखो कितना है, एक एक दो तीन चार पांच, ठीक है, ये होगी लंबाई 5 हो गई, चौड़ाई कितनी है 1 2 3, तो 5 से 15 आ गए। तो इस तरीके से 15 पर आप टिक कर देंगे, मैं आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब ट्रायंगल का एरिया पूछा है, तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे? देखो ऐसे निकालेंगे, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, दोबारा गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब हाइट लो, हाइट, क्योंकि ट्रायंगल का फॉर्मूला जब हम लगाएंगे ना, हम करेंगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस इनटू हाइट से, ठीक है। तो हाइट तो 1 2 3, तो नीचे 9 है और ऊपर 3 है, तो दोनों को गुणा करके ना 9 से 27 गुणा करके आप किससे भाग कर दोगे, 2 से भाग कर दोगे, तो आपका आ गया 13.5। कितना आ गया? 13.5, ठीक है। इस तरीके से करना होता है, और केस स्टडी फिर अब बोल रहे दोनों में से किसका एरिया बड़ा निकला है, इसका निकला है, इसका बड़ा निकला है, बट ट्रायंगल का बड़ा निकला है क्योंकि ट्रायंगल नहीं, रेक्टेंगल का बड़ा निकला है क्योंकि हमने 5 से 15 करा था और वो 13.5 आ रहा है, ठीक है। तो ट्रायंगल का कहाँ है, छोटा है ट्रायंगल का, और रेक्टेंगल का बड़ा है, तो ए आंसर आ गया। कह रहा है इन दोनों की रेशियो निकालो, रेशियो तो ये कितना था 15, और ये 13.5 दोनों को भाग कर दो, आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ देखो 15 11 13.5 11, तो 0.30 के ऊपर 0 चली गई, तो 15 धाम 50 150, 15 में 135, तो 10:9, तो ये रहा, ठीक है, 10:9 ये रहा। मतलब ऐसे केस स्टडी आ सकती है आपके, ठीक है। अब फटाफट ना थोड़ा सा मैं आपको और रिवाइज करवा दूं, ठीक है, और आसपास की जो भी साउंड आ रही है ना उसको आप इग्नोर कीजिएगा, इतना कोऑपरेट कीजिएगा बस, ठीक है। तो अब देखो इधर, देखो इधर आपको हीरोन फॉर्मूला आता है, थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ। जैसे 3 है 8 है ये 5 है, ठीक है, तो आप बताओ क्या ये त्रिभुज संभव है, क्या ये ट्रायंगल बन सकता है, क्या ट्रायंगल पॉसिबल है? बोलोगे नहीं, क्योंकि दो साइड का टोटल तीसरे से बड़ा आना चाहिए, जैसे इन दोनों को जोड़ने पे बड़ा आ रहा है, इन दोनों को जोड़ने पे बड़ा आ रहा है, लेकिन इन दोनों को जोड़ने पे तो बड़ा नहीं आ रहा ना, तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। तो एग्जाम में आ भी जाता है कि क्या इसका त्रिभुज बन जाएगा, बोलोगे नहीं बनेगा, क्योंकि दो का टोटल तीसरे से छोटा, और हीरोन फॉर्मूला तो आपको आता ही होगा, SA+B+C/2 लगाते हैं, और एरिया, अब देखो इसमें छतरी वाला आप देख रहे होगे, है ना, और एक ऐसे डिजाइन वाला जो बना हुआ है ना, तो वो वाला आप जरूर देख लेना। एरिया का फॉर्मूला आपको पता होगा, SS-A, S-B, S-C। और एक बात और, जैसे S-B, S-C S के बराबर होता है, ठीक है, ये याद रखना। जब भी रेशियो वाला सवाल करते हैं तो पहले उसको अलग करने के लिए के मान लेते हैं, 3 के, ठीक है, 4 के, ऐसे 3 5 के, ठीक है। तो हमें पैरीमीटर जरूर दिया होगा, क्या दिया होगा? पैरीमीटर। अच्छा एक बार क्या हुआ था, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था, उसने बोला था कि त्रिभुज के जो तीनों कोण है ना उसकी रेशियो दे रखी है ये, ठीक है, ये दे रखी है। तो बच्चे कहते पैरीमीटर तो दे नहीं रखा, अरे ये त्रिभुज है ना, त्रिभुज, ये त्रिभुज के तीनों कोणों की रेशियो दे रखी है, तो पहला 2x हो गया, दूसरा 3x, तीसरा 3x, और त्रिभुज के तीनों कोणों को जो कितना होता है 180 होता है, 3 3 6 7 8, तो x निकालने के लिए बोला था, तो ये आ जाएगा। बाकी पॉइंट में निकालने के लिए दे रखा होगा ऑप्शन में, तो कर दे रहा, नहीं तो मत करना, ठीक है। अब देखो दंड लेख आपको आता है, मतलब आपका बार ग्राफ, ठीक है, बार ग्राफ जो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है, और हिस्टोग्राम जो होता है वो
आपका चिपका होता है, ये क्या होता है हिस्टोग्राम। एक एक बना देता रफ में, जैसे मान लो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी दे रखा है, ये ई दे रखा है, ये 10 है, ये 80 है, ये 50 है, ये 40 है, ये 20 है। तो देखो ये अलग अलग है ना, तो इसका क्या बनेगा, देखो यहाँ पर हमेशा पहाड़ा लिखना होता है, ये नहीं कि 10 यहाँ लिख दिया, 80 यहाँ लिख दिया, 50 यहाँ लिख दिया, नहीं, यहाँ आपको पहाड़ा लिखना पड़ेगा। जैसे 20 का पहाड़ा ले लेता हूँ, 20 एकम 20, 40, 60, 80, ठीक है, रफ में समझा रहे हैं, इसलिए 20 का ले लेते हैं तो आप 10 का भी ले सकते हो। तो ए कितना 10, तो ये आ गया ए, बी कितना 80, तो ये 80 का आ गया, सी कितना 50, ये कितना 50, ठीक है, और डी कितना आपको 40, बी सी डी कितना 40 और ई कितना 20, ठीक है। इस तरीके से ये हमने बार ग्राफ बना, ठीक है, मतलब दंड लेख कोई भी आ सकता है और केस स्टडी आ सकती है इसके ऊपर, कि कौन ज्यादा है कौन कम है। राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर करना क्योंकि थोड़ा सा टाइम की कमी है, ठीक है। और अगर जैसे 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 3, 8, 5 ये दे रखा है, ठीक है, मान लेते हैं ये दे रखा है। तो इसने बोला हिस्टोग्राम बनाओ, आयत चित्र बनाओ। आयत चित्र कैसे बनाओगे, ठीक है, देखो यहां लिखा 0, तो ये पूरा 7 उतारना होता है, 0, 20, 40, 60, 80, तो ये कितना है 80 है ना, तो कितने का पड़ेगा, 10, 20, 30, 40। अब देखो मेरे को जगह कम है तो मैं 20 का पहाड़ा ले लेता हूँ, 20, 40, 60, 80 पहाड़ा लेना होता है, ठीक है। सो ठीक है, तो 0 से 20 कितना 30, 0 से 20 कितना 30, 20 से 40 कितना, ये ऐसे लाइन डालनी जरूरी है, ठीक है, और पूरा पूरा लिखना ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, पूरा पूरा, ठीक है। सर रफ में समझा रहा थोड़ा सा क्योंकि आपको पेपर है, ठीक है, और ये 50, ठीक है, और ये 40, ठीक है, इस तरीके से हिस्टोग्राम। अगर मान लो बोल देता हिस्टोग्राम विद पॉलीगन बनाओ, इसी क्वेश्चन में बोल देता कि हिस्टोग्राम विद पॉलीगन बनाओ, मतलब आयत सहित बहुभुज, आयत सहित बहुभुज बनाओ। तो ये रफ में बता रहा हूं कि क्या होता है, पहले हमें सेम ऐसे हिस्टोग्राम बनाना होता है, अगर मान लो 20 से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट है, जहां से भी, ठीक है, तो हमें इस पॉइंटों को लेना होता है, बीच के पॉइंटों को ऐसे मिला देना होता है इसको। अगर यहाँ 0 से स्टार्ट होता है तो पीछे की तरफ डाल देना, यहाँ लाइन डाल के पीछे की तरफ डाल, ठीक है। और देखो एक क्वेश्चन तो आपका ये आना ही आना है, ठीक है, जो 4 सॉल्यूशन निकालने वाला क्वेश्चन है ना, 4 सॉल्यूशन निकालो, जैसे 2x-4y = -3 दे दिया, और इसने बोला 4 सॉल्यूशन निकालो, तो पहले x की जगह 0 ले लो, तो 2 की जगह 2, x की जगह 0, ठीक है, तो ये आ गया -4y = -3, -3/-4, तो माइनस माइनस कट गया, तो y कितना आ गया, 3/4। तो ऐसे ही अलग अलग, पहले x से 0 ले लो, फिर y की जगह 0 ले लो, 1, 2, 3 कुछ भी पुट कर लेना, ठीक है, मैं थोड़ा सा बस आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो बहुत बार आया हुआ, जैसे यहाँ लिखा हुआ 2x-4y = -10, और ये लिखा हुआ k-1 और k, ठीक है, तो कह रहा है k की वैल्यू निकालो। तो देखो पहले वाला x होता है, दूसरे वाला y होता है, तो x की जगह क्या ले देंगे, k-1, y की जगह क्या ले देंगे, k, ठीक है, तो 2 की मल्टीप्लिकेशन 2k, 2 एकम 2, 4k, ठीक है, तो 4 के में से 2 के का कितना का माइनस का 2 के, समझो, देखो एक्स की जगह ये लिख दिया, वाई की जगह ये लिख दिया। अगर आपको स्पीड लग रहा होगा ना, तो वीडियो को धीरे करके दोबारा से सुन सकते हो,
ठीक है, फोर के आ गया। अब देखो फोर के में से टू के माइनस के, टू के माइनस का टू इजिकल टू में 10। ठीक है, माइनस का टू के इजिकल टू 10, माइनस का टू जाके क्या जाएगा प्लस का, 10 से 2 12, ठीक है, और 12 मल्टीप्लाई वाला 2 माइनस अपॉन में चला गया, ये साइन गायब नहीं होगा, और कितना आ गया माइनस का 6 है। मतलब इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो ऐसा, और अगर सिंपल बिल्कुल सिंपल देना होगा जैसे एक नंबर में, तो एक्स माइनस वाई इजिकल टू ए लिख देंगे, और यहाँ लिख देगा 2,3, तो एक्स के 2 पुट कर दो, वाई की जगह 3, तो 2 दुनी 4 3, तो 4 में 3 का ए, ए आंसर कितना आ गया, ए बराबर 8 आ गया। ठीक है, अब वाई माइनस 2x बराबर 4। अभी आप अपने आप करना, ट्राई करना, फिर वीडियो को रोक के लेना, उससे मैच करना, ठीक है। तो अब आपको मान लो यहाँ पे देखा 2 माइनस 3, आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन में? तो जब तक मैं पीछे लिख रहा हूँ आप खुद ट्राई करो। वीडियो रोक के फिर कर लेना, ठीक है, मैं तो करा रहा हूँ, नहीं तो मैं वेट करूंगा तो फायदा नहीं। और एक्स कितना, तो यहां पर एक्स है, ठीक है, देखो एक्स कितना है हमारा 2, वाई कितना है माइनस का 3, वाई की जगह क्या लिख दिया, माइनस का 3 लिख दिया, क्योंकि वाई की वैल्यू दे रखी है ना, वाई वाई की जगह वाई लग, आपका बच्चे जो है 2 यहाँ लिख देंगे, 3 यहाँ लिख देंगे, तो फिर वो तो भाई गलत कर रहे हैं, क्योंकि पहला एक्स होता है दूसरा वाई होता है। एक्स को बोलते हैं अक्षीय, वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट, भुज कोटि, ठीक है। तो माइनस का 3 लिख दिया, एक्स से 2 लिख दिया, अब 2 दुनी 4। अच्छा माफ कीजिए, एक चीज यहां पर मुझे ना यहां पर के लिखना था, ठीक है, क्या लिखना था, के, तो इसके लिए गुस्ताखी माफ, ठीक है, तो के लिखना था, तो आप भी करेंगे, करना क्या था इसमें, ठीक है, के तो माइनस का 7 आ। देखिए चैप्टर 6 में ना, जो चैप्टर 6 है उसमें आप वर्टिकली अपोजिट एंगल वाली थ्योरम कर लेना, शीर्षक में कोण वाली, ठीक है, बाकी अपने क्वेश्चन तो कर रखे होंगे। और जब ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो तीनों पैरेलल होगी, ये भी प्रूव करने वाला क्वेश्चन कर लेना, एक बार देख लेना थ्योरम में, ठीक है। तो और थोड़ा सा रूल बता देता हूँ, जैसे इसका टोटल क्या होता है, 180 होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, मतलब पूरक कोण, पूरक कोण जो होते हैं वो उनका टोटल 90 होता है। मान लो अगर एक 40 है तो दूसरा कितने का होगा, 50 का, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, जो टोटल 90 हो, और दूसरा था सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री जो एंगल होते हैं उसका टोटल 180 होता है, अगर एक 110 का है तो दूसरा 70 का होगा, ठीक है, सप्लीमेंट्री, समझ में आ गया। और ये होता है लीनियर पेयर, जब एक लाइन का टोटल 180 होता है इसमें भी, और हिंदी में रैखिक युग्म, रैखिक युग्म, ये हो सकता है, थोड़ा स्पीड से बता रहा हूँ, ये दोनों अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसे बोलेंगे करस्पोंडिंग एंगल, मतलब अगर ये 100 का तो ये भी 100 का होगा, और ये जेड बन रहा है, ये जेड बन रहा है, ठीक है, जेड बन रहा है, तो ये 100 का, ये भी 100 का होगा, 70 का तो 70 का होगा, इसे बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं, समझ में आ गया। और इन दोनों का टोटल 180 होता है, एग्जाम में आप आता भी है खालिस्तान में, कि अगर ट्रांसवर्सल के एक तरफ एंगल बने हुए हैं और टोटल 180 है तो उसे क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल, आसन कोण बोलते हैं, ठीक है। तो एक आता तो इसी पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। अब चैप्टर 7 पे थोड़ा सा जान लो, क्योंकि तो चैप्टर 7 में कॉन्ग्रेंट पढ़ते हो, कॉन्ग्रेंट मतलब सर्वांग सम, सर्वांग सम मतलब जिसकी शेप भी सेम होती है, साइज भी सेम होता है, उसे हम कॉन्ग्रेंट कहते हैं। तो एस 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 वाला रूल, एस ए एस, ए एस ए, आर एच एस, ठीक है, और ए ए एस, ये सब कॉन्ग्रेंट होते हैं, ए ए ए कॉन्ग्रेंट नहीं होता, ठीक
ठीक है, और ए एस एस कॉन्ग्रेंट नहीं होता, ठीक है, सुन लिया, ये एस एस ए कॉन्ग्रेंट नहीं होता। तो ये कॉन्ग्रेंट होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, ठीक है। आपसे एस दे देगा, जैसे 10 का है, ये 10 का है, ये 8 का है, 8 का, ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो ये कौन से रूल से हो रहा है? देखो, साइड साइड के बीच में एंगल है, तो बोलेंगे एस ए एस, ठीक है। ऐसे बहुत कुछ हो सकता है। होप आपने भी काफी अच्छी तैयारी की होगी, मैंने कुछ आपकी हेल्प करने की कोशिश की है, रिवीजन कराई है थोड़ी बहुत। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।